टैगोर की छोटी कहानियां मैं करना चाहता था। आजकल के जो टेलीविजन के फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनकी मोरालिटी, उनके राइट्स एंड रॉन्ग्स, उनके डिसीजंस, उनका सोचना इतना रिग्रेसिव है। और मुझे लगता है जो टैगोर 100 साल पहले लिख कर चले गए हैं, जिस तरह किरदार से कहीं आगे हैं, उनकी सोच कहीं आगे की है। चाहे वो शादी हो, नए बच्चे का जन्म हो, या फिर किसी का देहांत हो, टैगोर हर सिचुएशन में है। उनके गाने, कविता हर सिचुएशन के लिए। इतने साल बाद जब एपिक चैनल से बुलावा आया, उन्होंने कहा कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यार ये एक शो है जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ। ये सारी कहानियाँ शायद मैं फिल्मों में ना बता पाऊँ। एपिक का जो ये सीरीज है वो बहुत ही अलग है, पर चारुलता पढ़ने के बाद मुझे लगा अगर मुझे कुछ करना है तो ये करना है टैगोर के स्टोरीज में। सबने कहा कि ये तो फिल्म की तरह दिखता है। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम हैप्पी कि फाइनली ये शो और ये कहानियां लोगों तक पहुंचेगी हिंदी टेलीविजन के जरिए। स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सोमवार और मंगलवार रात 10 बजे।